रायबरेली में सरेनी थाने की पुलिस के बीच 18 जुलाई की रात पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान फरार हुए शातिर पशु तस्कर को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए शातिर पशु तस्कर पर रायबरेली पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। बताया जा रहा है कि कंटेनर में गौवंश की तस्करी हो रही थी, तभी सरेनी थाने की पुलिस को सूचना लगी कि कंटेनर में गौवंश लदे हुए जा रहे हैं। सूचना के बाद सरेनी थाने की पुलिस ने घेराबंदी कर गौवंश से लदे कंटेनर को कब्जे में ले लिया। उस दौरान एक सलीम नाम का शातिर तस्कर फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर फतेहपुर और रायबरेली के बॉर्डर से सरेनी थाने की पुलिस ने इसे गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। जुलाई माह में एक पशु तस्करों के साथ पुलिस में मुठभेड़ हुई थी सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और उस मुठभेड़ के बाद एक व्यक्ति इसमें से फरार हो गया था। उस व्यक्ति के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था और सलीम नाम का भी था। उसको कल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद फिर से सरेनी थाना क्षेत्र में ही गिरफ्तार कर लिया है और उसको इस समय जेल भेजा जा रहा है।